हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हुंडई ओरा एस सी एन जी वेरियंट के 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव पॉइंट्स की। ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस गाड़ी को यूज़ करने के बाद मैं अपने पर्सनल आपको रिव्यूज़ दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने यूज़ किया है, मुझे जो इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम लगी है और जो मुझे बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में अच्छी चीज़ें लगी हैं, वो 5-5 चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस बेसिस पे जा सकते हैं आगे, आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बात करें एक नेगेटिव पॉइंट की, तो आप देख रहे होंगे कि गाड़ी में दो ही सेंसर दिए हुए हैं रियर में। वैसे गाड़ियों में 4 सेंसर्स होते हैं। अगर 4 सेंसर से फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो रिवर्स जब आप करेंगे तो आपको पीछे अगर साइड में सेंसर्स लगे होंगे तो आपको साइड में कोई चीज़ आ रही है या नहीं, तो सेंसर्स आपको बीप करके बता देंगे। बट इसमें साइड का पता नहीं चलता है कि साइड में कोई चीज़ आ रही है, वो मैनुअली हम लोगों को मिरर में ही देखना पड़ता है। बट पीछे अगर कोई चीज़ आ रही है तो ये सेंसर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप काफ़ी यूज्ड टू हो जाओगे गाड़ी से तो ये सेंसर्स आपको इतना मैटर नहीं करेंगे। बट जब बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे आप पार्किंग करते हैं तो ये सेंसर्स बहुत वर्क करते हैं, जो 2 सेंसर्स और होते हैं साइड के लिए। तो ये इस गाड़ी में ड्रॉबैक है। कंपनी को देने चाहिए थे 2 और सेंसर, 4 सेंसर एटलीस्ट देने चाहिए थे। यहाँ पे उनको कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी, तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है यहाँ पे। दोस्तों, अगर दूसरी कमी की बात करें तो दूसरी कमी मुझे इसके एसी में लगती है। जैसे अगर गाड़ी खड़ी रहती है तब तो एसी ठीक वर्क करता है, जैसे गाड़ी चल रही हो तो काफ़ी देर तक मुझे लगता है कि एसी काम ही नहीं कर रहा है। इवन गर्मियों में तो मुझे ऐसा लगता है कि एसी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, जबकि बाकी गाड़ियों में मैंने देखा है, हुंडई की बाकी गाड़ियों में एसी बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट पता नहीं, मुझे इसी गाड़ी में ये थोड़ा सा इशू लगा कि एसी बहुत देर में काम करना स्टार्ट करता है। और सेकेंड थिंग इसमें ये कि अगर जैसे हम इसको फैन स्पीड को फुल करें तो बहुत आवाज़ करने लगता है मेरे को, बाकी गाड़ियों के हिसाब से आवाज़ इसमें ज़्यादा लगती है। आप सुन के देख, आपको अगर सुनाई दे आवाज़ तो आप समझ सकते हैं। काफ़ी मतलब ही नॉइज करने लगता है अगर इसको फुल पे 4 पे कर दे तो। वैसे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है बहुत अच्छी, तो ये मेरे को लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम की चीज़ है। एक ये वाला जो इसका गाड़ी का पार्ट है, ये मुझको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड लगता है। मतलब कभी कभी मैं गाड़ी मुड़ाता हूँ, जब मैं राइट टर्न ले रहा होता हूँ तो मुझे ये जो नीचे का हिस्सा है इसकी वजह से मेरे को समझ में नहीं आता है, रोड आगे बिल्कुल दिखती नहीं है। कभी कभी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, और रात में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस वाले पार्ट की वजह से। तो एक इसका ये मेरे को जो मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा वो यही है कि ये चीज़ ज़्यादा थोड़ी ब्रॉड है। इसको थोड़ा सी अगर पतली होती है, जैसे बाकी गाड़ियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे ये चीज़ पतली होती है थोड़ी। तो अगर ये वाला एरिया आपका थोड़ा पतला होता तो काफ़ी इजी हो जाता, काफ़ी एरिया आपको देखने के लिए मिलता। और दूसरी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे, ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो, ये एकदम ये ऐसे स्लोप है यहाँ पे, ये काफ़ी उठा हुआ है, स्टेयरिंग के भी ऊपर जा रहा है। थोड़ी सी विजिबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है सामने और राइट साइड में। लेकिन अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इसकी हेडलाइट की इंटेंसिटी मुझे बहुत कम लगती है। जैसे आप देख रहे हैं अभी रात में बाकी गाड़ियाँ निकल रही हैं, इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इस गाड़ी की इंटेंसिटी काफ़ी कम है। तो मुझे सामने से जब किसी गाड़ी कोई गाड़ी अगर हाई बीम पे चला रहा होता है और उसकी लाइट पड़ती है तो फिर यहाँ से दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है। तो मुझे एक इसमें ये काफ़ी बड़ा इशू लगा है, और मुझे लगता है कि ये मुझे लाइट अभी चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि नाइट में अगर मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इससे। फ्रेंड्स, 5वां नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि अभी तक इस गाड़ी का कोई क्रैश टेस्ट नहीं आया है, तो इसका कोई भी रिजल्ट, इसकी कोई रेटिंग हमारे पास नहीं है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं गाड़ी कितनी सेफ़ है, कहाँ पे स्टैंड करती है सेफ्टी में, तो इसका हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। और बाकी अगर हम देखें बाकी हुंडई की गाड़ियाँ जिनके टेस्ट हुए हैं, उनकी 2 रेटिंग आई है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर हम उतना ही मान सकते हैं। तो हमको अभी इस गाड़ी के टेस्ट का पता नहीं है कितनी सेफ है गाड़ी, अगर एक्सीडेंट होता है इसका बाय चांस तो कितना नुकसान आ सकता है, ये सब हमें अभी पता नहीं है। वैसे इस गाड़ी में आगे 2 एयरबैग दिए हुए हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक को पैसेंजर के लिए आगे वाली सीट पर। तो एयरबैग है ठीक है, लेकिन जब तक अगर कोई किसी गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं होता है तो हम उसके बारे में इतना नहीं बता सकते हैं कि गाड़ी सेफ्टी के मामले में कहाँ पे ये खरी उतरती है या नहीं उतरती है। तो इसका 5वां नेगेटिव पॉइंट ये था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी की।
तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डोर्स में नीचे की साइड स्पीकर दिया हुआ है, इसी तरह से राइट और बैक साइड में भी स्पीकर दिया हुआ है, ऐसे चारों डोर्स में स्पीकर दिए हुए हैं। तो टोटल चार स्पीकर्स हैं इसमें, कोई ट्विटर वगैरह नहीं है आगे, बस ये चार स्पीकर्स ही हैं। लेकिन इसके बाद भी इतने इन चार स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे अभी तक ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं अलग से कोई बेस ट्यूब लगवाऊं। हालांकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा शौक है वो लगवा सकते हैं अलग से, अच्छी लगती है साउंड क्वालिटी, मजा भी आता है सुनने में। मैं अभी आपको एक सुनाता हूँ, पता नहीं कितना जस्टिफाई होगा अगर आप यहाँ की रिकॉर्डिंग की ऑडियो सुनेंगे, बट अगर आप ईयरफोन यूज करें तो इसकी साउंड क्वालिटी आप अभी चेक कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पे प्ले करता हूँ, अभी मैंने हॉटस्पॉट से ये कनेक्ट कर रखा है, अभी आप सुन सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अभी मैं बैक सीट पे बैठा हुआ हूँ, अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज दिखाई थी और इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। अगली चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो रियर में इसमें एसी वेंट दिए हुए हैं, एडजस्टेबल है, जो कि इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। और इसके बाद ही आपको यहाँ पे प्लग दिया हुआ है, यहाँ पे आप चार्जिंग वैक्यूम क्लीनर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये रियर में दिया हुआ है। और ये रियर में दिया हुआ है तो आगे भी आपको चार्जिंग के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं आगे की साइड आपको एक यूएसबी केबल का पॉइंट और एक चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज जो मैंने इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है तो इसमें भी एक अलग से मेरे को यूएसबी का चार्जिंग पॉइंट काइंड ऑफ मिल गया, आप देख सकते हैं सामने। तो मेरे पास अभी दो चार्जिंग पॉइंट, आगे एक यूएसबी का पोर्ट है और पीछे भी मैं चार्जिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास इतने ऑप्शन फोन चार्जिंग के हो गए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है इस गाड़ी में। दोस्तों एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि अगर हम इसका बूट ओपन करते हैं जैसे ही, तो आप देख रहे हैं इसमें इतना बड़ा सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है, बट इसके बाद भी आप देख रहे होंगे इसके बूट में काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। आई थिंक इसका 200 लीटर के आसपास का भी बूट स्पेस इसमें बचा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और ये कंपनी फिटेड सीएनजी होने की वजह से ही है। बाकी गाड़ियों में जिनमें सीएनजी अलग से लगी होती है उनमें इतना बूट स्पेस नहीं बच पाता है, और सेडान भी है ये, इस वजह से भी इसमें पीछे बूट स्पेस काफ़ी मिल गया, तो इसमें काफ़ी सामान हम रख सकते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। फ्रेंड्स एक इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका माइलेज तो है ही है, सीएनजी पे तो ये अच्छा माइलेज देती है, साथ में ये पेट्रोल पे भी आपको बहुत अच्छा माइलेज देगी। पेट्रोल पे आई थिंक 20-22 का माइलेज मैंने निकाला हुआ है इससे, तो 20-22 का माइलेज बहुत अच्छा होता है, और सीएनजी पे तो आप जानते ही हैं 26-27 तक इसका माइलेज जाता है पर केजी पे, तो माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस कार की, और सेडान होने के बाद इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स अगर मैं इसके एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो मेरे को इसका स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथ लगता है, बाकी गाड़ियों का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो बाकी गाड़ियों का मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसका स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथ है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, अभी मैं आगे यू टर्न लेता हूं, तो आप देखिए कितना ईजिली मैं यू टर्न ले सकता हूं, सिर्फ अपनी एक फिंगर से ये इतना ईजिली मूव हो जाता है इसका स्टेयरिंग, ये देखिए आप, बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, बहुत एक्चुअली मज़ा आता है, स्मूथ गाड़ी चलती है, तो आप कह सकते हैं इस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जो हुंडई ऑरा सीएनजी मॉडल में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो लगा हुआ आता है उसमें कोई इस तरह का डिस्प्ले लगा हुआ नहीं आता है, उसमें जो लगा हुआ आता है वो कुछ इस तरह का है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये डिस्प्ले मैंने अलग से लगवाया है। तो इस डिस्प्ले को लगवाने के लिए एक ये फ्रेम ज़रूरी होता है, ये फ्रेम भी इसके साथ ही आपको बाय करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से लेकर, और आप ये देख रहे हैं पूरा ये पूरा फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम आपका चेंज होगा, फिर उसके ऊपर से ये डिस्प्ले लगेगा, तो ये मैंने अलग से लगवाया। इसकी कॉस्ट ये हमान कंपनी का है और इसकी कॉस्टिंग मुझे आई थी, उसने 11,500 मुझे बताए थे, लेकिन मैंने और भी गाड़ी में कुछ काम कराते थे, सीट कवर वगैरह मैंने करवाए थे इसके, तो मुझे 10,500 में ये पड़ गया था। और इसके बाद मैंने एक रियर कैमरा भी फिर इसमें फिट करवाया है, जैसे कि जब हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे तो रियर कैमरा ऑन हो जाता है, ऐसे आप देख सकते हैं, तो ये कैमरा मैंने लगवाया हुआ है इसमें।
और ये जो मुझे पड़ा था ये 10,500 का मुझे पड़ा था। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें कोई वायरिंग वायरिंग कट नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर सीधे प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है, सीधे इसमें सीधे प्लग होते हैं, वायर्स में प्लग लगे होते हैं, सीधे प्लग कनेक्ट कर देते हैं और ये पूरा सारा कनेक्ट हो जाता है, कोई इसमें इशू नहीं आता है। और फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी डिस्प्ले आते हैं जिनमें लगाने के लिए वायरिंग कट करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो ना करवाएं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, वारंटी वगैरह भी जा सकती है गाड़ी की, तो इसे लगवाने में कोई वारंटी वगैरह वॉइड नहीं होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ईजिली ये लग जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे हुंडई ओरा के 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।